माता सती ने माँ पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर शिव जी ने माँ पार्वती के साथ जहाँ अपना घर बसाया वो स्थान है काशी। वही काशी जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसका रास्ता केवल एक जगह पर ही मिल सकता है, बनारस। यहाँ बसते हैं हमारे जग के दाता श्री काशी विश्वनाथ। मंदिर के चारों ओर इतनी संकरी गलियां, गंदगी और अव्यवस्था हुआ करती थी कि श्रद्धालुओं का तीर्थ यात्रा पवित्र मन से करना दूभर हो जाता। अगर ये आज की पीढ़ी को हमें दिखाना है तो कहीं गंदगी के पास इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था है तो भी हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही देख कर गई, वो जो देखना चाहिए वो छूट जाता है। गांधी जी ने भी 100 साल पहले काशी की अव्यवस्था की ये समस्या व्यक्त की थी, जो आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से सॉल्व हो गई। इस प्रोजेक्ट को 32 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत काशी का ऐसा कायाकल्प हुआ कि इसे मिला वो ग्रैंड अवतार जिसका काशी विश्वनाथ धाम हमेशा से हकदार था। अब काशी मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ा है, जिसे अब डिवोटीज रिचुअल्स के मुताबिक डायरेक्टली गंगा स्नान के बाद यहां से जल लेकर भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। 20 फीट चौड़े कॉरिडोर के साथ मंदिर को अपना एक ग्रैंड कोर्टयार्ड भी मिला है। काशी विश्वनाथ मंदिर के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से इस ऐतिहासिक और पौराणिक टेंपल को मिली है वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज, जो देश के स्पिरिचुअल कैपिटल काशी को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन भी बनाएगी।